हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय नाबार्ड टूवर्ड्स इन्वेस्ट इन वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी कि अंडमान एंड निकोबार की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए कितना फंड यहां पर एलोकेट किया गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, 50 लाख, 74 लाख, 44 लाख या फिर 35 लाख। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 44 लाख। तो चलिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं, नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन हैं गोविंदा राजुलु चिंताला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की, रोज क्रिश्चियन ओसुका रपोंडा हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, यानी कि इनको किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला है गबोन, दूसरा है पोलैंड और तीसरा है कंबोडिया और लास्ट है लीबिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गबोन। तो चलिए यहां पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, गबोन की कैपिटल है लिब्रेविले और करेंसी की बात करें तो करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक और इनकी उम्र है 56 साल और ये है 12वीं प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री और इन्होंने सक्सीड किया है जूलियन खोगे बकाले को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, Who has been appointed as the new chairperson of the HCL Technologies? इसका मतलब है HCL Technologies के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अमित रॉय, सी विजय कुमार और आखिरी ऑप्शन है रोशनी नडार मल्होत्रा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रोशनी नडार मल्होत्रा। क्वेश्चन नंबर फोर, विच कंट्री हैज टॉप्ड द 2020 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स MRI ऑफ कशमैन एंड वेकफील्ड, इसका मतलब है किस देश ने कशमैन एंड वेकफील्ड के 2020 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में टॉप किया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, इंडिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चाइना और उसके बाद दूसरा नंबर आता है यूएस का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की, मेडिकैब इज ए पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूट फॉर COVID-19 ट्रीटमेंट, यानी कि मेडिकैब एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई है जिसे COVID-19 उपचार के लिए किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला है IIT बॉम्बे, दूसरा है IIT मद्रास, तीसरा है IIT कानपुर और आखिरी है IIT दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा IIT मद्रास, ऑप्शन बी। तो यहां पर थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि मेडिकैब को बेसिकली इंस्टॉल किया जा सकता है विद इन दी 8 आवर्स एंड विद दी हेल्प ऑफ ओनली 4 पीपल एंड दिस मेडिकैब इज फोल्डेबल, यू कैन सी दिस इज कंपोज्ड ऑफ 4 जोन्स। तो 4 जोन यहां पर बनाए जाएंगे, बेसिकली पहला होगा डॉक्टर्स रूम, दूसरा है आइसोलेशन रूम और तीसरा है मेडिकल रूम, ठीक है, और लास्ट है ट्विन बेड ICU। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, Who has been appointed as the ambassador for TIFF 2020? यानी कि TIFF 2020 के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला है अमिताभ बच्चन, दूसरा है प्रियंका चोपड़ा जोनास और तीसरा है विल स्मिथ और आखिरी है ऋतिक रोशन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रियंका चोपड़ा जोनास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, CBSE ties up with which company to integrate the AI curriculum? तो इसका मतलब है कि CBSE ने किस कंपनी के साथ टाई अप किया है सो दैट कि AI curriculum को लॉन्च किया जा सके। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, IBM, Google, HCL या फिर Accenture। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, IBM। तो चलिए यहां पर मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देता हूं, CBSE के चेयरमैन हैं मनोज आहूजा और CBSE का जो हेड ऑफिस है वो है दिल्ली में और IBM का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी जर्नलिस्ट हैव बीन ऑनर्ड विद द 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स बाय कमिटी टू
प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी कि सीपीजे इसको हम बोलते हैं। तो यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने है, 8, 4, 2 या फिर 3। तो इसका सही जवाब होगा 4। तो यानी कि चार लोगों को ये अवार्ड दिया गया है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, विच कंपनी हैज डन कोविड 19 वैक्सीन क्लिनिकल या फिर हम बोल सकते हैं ह्यूमन ट्रायल्स ऑन 375 वॉलंटियर्स इन हरियाणा। तो इसका मतलब है हरियाणा में 375 लोगों पर मानव परीक्षण किया गया है इस कोविड 19 वैक्सीन का, जिसको बोला गया है कोवैक्सीन, इसको नाम दिया गया है कोवैक्सीन, इसको नोट कर लेना आप। तो यहां पर आपको उस कंपनी का नाम बताना है। तो चार कंपनी यहां पर है, पहली है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड या फिर जायडस कैडिला, और तीसरा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और आखिरी है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूं कि ये जो कंपनी है जायडस कैडिला, ये है अहमदाबाद बेस्ड कंपनी, और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी है हैदराबाद की, और बात करें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तो ये है पुणे बेस्ड कंपनी, और आखिरी में आती है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, ये है आपकी हैदराबाद बेस्ड कंपनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो के आखिरी सवाल की, क्वेश्चन नंबर 10 की, किस टीम ने 2019-20 ला लीगा चैंपियनशिप खिताब जीता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन है एटलेटिको मैड्रिड, दूसरा है बार्सिलोना, तीसरा है रियल मैड्रिड या फिर वैलेंशिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रियल मैड्रिड। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।